नमस्ते दोस्तों, कान के आगे बहुत दर्द है सर, बहुत दर्द है सर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है सर, सिर में दर्द हो रहा है सर। ये जगह में ना खटक 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 साउंड आ रहा है, मुझे खाना नहीं खा पा रहा सर। मुझे यहाँ पे ना इतना दर्द हो रहा है मेरा, मेरे को मुंह खोल नहीं पा रहा हूँ सर, मुझे खोल नहीं पा रहा हूँ सर। मेरे को ना कोई भी खाना खाने में ना बहुत तकलीफ होता है सर। सुबह में नींद से खुलता हूँ, मेरे को लाख सर मैं बंद नहीं कर पा रहा, वो बंद नहीं कर पा रहा सर। मेरे को है ना गर्दन में बहुत दर्द है सर, मेरे को जाने में पैदल जाने में ऐसा हो जाता है सर, मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है मैं ऐसा जा रहा हूँ, ऐसा जा रहा हूँ वॉकिंग में जा रहा हूँ, ऐसा हो गया मेरा कमर ऐसा हो गया, मैं ऐसा जा रहा हूँ सर। मेरे को बहुत डिप्रेशन है सर, मेरे को इसमें ना इतना डिप्रेशन है, मैं बीवी से बात नहीं करता हूँ, बच्चे से बात नहीं करता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मैं ऐसे लेट के सोते रहता हूँ या मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं एक दिन जरूर आत्महत्या करता हूँ, करने वाला हूँ, मैं सुसाइड करने वाला हूँ। ऐसे लोग आते हैं सर मेरे पास, ये जो वीडियो देखते हो आप, किसी को ऐसा तकलीफ है, इसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ आज। इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देख लीजिए, इस वीडियो आपको बहुत यूज में आएगा, क्योंकि मैं तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ, मेरा हिंदी ठीक नहीं होता है मगर मेरा पॉइंट आपको अच्छा लगेगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण प्रतीप हूँ, आई एम ए आर्मी मेजर, मैं आर्मी में डेंटल डॉक्टर का काम करके अभी मेरा ओन क्लिनिक खोल के रखा हूँ चेन्नई पर। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा। चलो वीडियो में चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस सिम्टम्स का, जो मैं पहले बोला, इस सिम्टम्स का क्या क्या तकलीफ कैसा होता है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जनरली ये सब प्रॉब्लम को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर बोलते हैं, TMJ डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है? टेम्पोरो मतलब इस जगह है, मैंडिबल मतलब ये नीचे का जबड़ है, ये नीचे का जाड़ है, ठीक है, और ऊपर का जाड़ नीचे के जाड़ के बीच में एक जॉइंट है, इसको बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। कभी इसमें कोई भी डिसऑर्डर होते हैं, कोई भी तकलीफ होता है, आपको जो मैं बोला सिम्टम्स ये पूरा लगता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको पता नहीं चलता है मेरे को क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे को दांत सब ठीक है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत के डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलते हैं सर आपको तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, विजडम टूथ निकाल जाते हैं, जो विजडम टूथ मतलब जो लास्ट में सबसे लास्ट वाला दांत जो है सबसे यहां पे होते हैं ना, वो दांत निकाल लेते हैं। कुछ लोग ENT डॉक्टर, जो खान का जो थ्रोट का डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं सर मेरे को इसमें साउंड आ रहा है, सर मेरे को इसको इसमें पटपट करके साउंड आ रहा है ना। कुछ लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं, कुछ लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ना लोग घूमते रहते हैं पूरा दुनिया पर, घूमते रह के डॉक्टर के पास जाके ये डॉक्टर वो डॉक्टर ये वीडियो वो वीडियो देखकर पूरा कंफ्यूज हो जाता है। आज इस वीडियो में ना आपको पूरा कंफ्यूजन में हटा देता हूँ, बिकॉज मैं आपको ये डिसीज पहले क्यों हुआ और इसका इलाज क्या है, इसका कितना टाइम लगेगा, ये सब मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपका पूरा जानकारी मैं दिला दूंगा। दोस्तों आपको ये बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो आपका थोड़ा सा एनाटॉमी मैं बताऊंगा। ये एक इंसान की खोपड़ी है, इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहता हूँ। ये खोपड़ी हमने स्टडी पर्पस के लिए खुला है, यहाँ पे आपको ब्रेन रहेगा, ये ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड इधर से निकल के आपको शरीर में जाते हैं, ठीक है। आप देख लो ब्रेन और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप देखो ये ब्रेन से अपना दांत कितना नज़दीक है, इसलिए कोई भी दर्द होता है, कोई भी चीज़ होता है आपका है ना, बहुत फेस में या दांत में कोई भी तकलीफ है, आपको बहुत भयंकर दर्द इसलिए लगता है कि ब्रेन और इसका पास में है जो इसके काफ़ी सारी नस होते हैं इधर इसमें, ठीक है। पहले मैं आपको एनाटॉमी में ये बोलना चाहता हूँ, ये आपका आईबॉल सॉकेट है, ये आपका नाक है, ठीक है। अभी ये आपका ऊपर वाला जबड़ा है, इसको हम अंग्रेजी में मैक्सिला बोलते हैं, और आपको पता है नीचे वाला एक जबड़ा भी होता है हमारा, ऐसा एक नीचे वाला जबड़ा रहता है, इसमें ना हमको दांत लगते हैं। अब देखो ऐसा दांत रहता है ऊपर नीचे, इस मॉडल में दांत ही नहीं है, ये इंसान का दांत नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है ऐसा वो हिल रहा है। मान लो कोई भी आपका दरवाज़ा है घर में,
कभी कभी आपका क्या होता है, दरवाज़ा खोलने का बंद करने का टाइम में कोई आवाज़ आ रहा है हिंजेस से, जो साइड का कील होता है वहीं से कोई भी तकलीफ़ आता है, आवाज़ आते है, आप ऑयल डालते हैं। वैसे ही भगवान ने हमको जब इसको बनाने का टाइम है, इसको बनने का टाइम है ना, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जबड़ा है और हमारा खोपड़ी है, यहाँ पे ये जो छोटा वाला जो नीचे वाला जो जबड़ा है यहाँ पे जॉइंट करने का टाइम है ना, ये एक एक जॉइंट है। जॉइंट मतलब एक अलग अलग चीज़ है, उसको बीच में एक कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज मतलब एक छोटा सा, यहाँ पे एक कार्टिलेज होता है, एक छोटा सा टिश्यू होता है, ठीक है। या ये टिश्यू जो है आवाज़ नहीं करेगा, ताकि हमको आराम से मुंह खोलने में बंद करने में मदद करते हैं। मान लो ये एक फ्री हैंगिंग स्ट्रक्चर है। फ्री हैंगिंग मतलब ये हवा में रखते हैं, हवा में लगते हैं, ठीक है। ये शरीर में कैसा ये जॉइंट की हुआ कि मसल्स रहते हैं ना, हमारा जो नस होता है, मसल्स होते हैं, ये सब इसमें जॉइंट लगते हैं। मान लो यहाँ पे ये बोलते हैं टेम्पोरल एरिया बोलते हैं, ये जगह है जो है खोपड़ी में, खोपड़ी ऐसा रहते हैं, ये टेम्पोरल जॉइंट लगते हैं, ठीक है। टेम्पोरल इस मसल जो है यहाँ से एक मसल जाके इधर लगते हैं, ठीक है, इधर और इधर, ठीक है। ये क्या करते हैं, मुंह हमको ऐसा बंद करने में हमको मदद करते हैं। टेम्पोरल इस मसल होते हैं, एक मसल इधर होते हैं, मसीटर बोलते हैं इसका, इसका यहाँ पे बोलते हैं, इस जगह में होते, वो उसका नाम है मसीटर मसल, यहाँ पे आते हैं। ये आपको बंद करने में तकलीफ होते है, खाने में आपको तकलीफ, खाने में आपको मदद करते हैं, दूसरा मसल। तीसरा मसल क्या है, यहाँ से ये जो जो दो प्लेट जैसे लगते हैं आपको, यहाँ पे लगते हैं मीडियल टेरिगॉइड और लैटरल टेरिगॉइड, ठीक है। इसमें क्या है, ये सब अंदर की तरफ लगते हैं। जब चार मसल्स जो है इसका कंट्रोल करते हैं, मीडियल टेरिगॉइड, लैटरल टेरिगॉइड, टेम्पोरलिस एंड मसीटर, और यहाँ पे हायाइड मसल होते हैं जो गर्दन का, आप देख लो एक आदमी जैसा देख लो, इधर एक आदमी ऐसा ऊपर देखने से इसका गर्दन आते हैं यहाँ पे, गर्दन, एक गर्दन का जो मसल्स है इसका बैलेंस करते हैं, ये ऊपर का मसल इसका बैलेंस करते हैं, ये बीच में रहते हैं। चलो अभी ये मान लो एक दरवाज़ा है, इसका जॉइंट जो है यहाँ पे बीच में जो दांत है वही है, उसके लिए हम ये मॉडल को देख लेते हैं। मान लो वो एक इंसान का सारी दांत एकदम अच्छा है, एकदम बढ़िया है, ऐसा लगते हैं तो उनका कोई भी तकलीफ नहीं रहता, क्योंकि ये मॉडल है, हम कोई भी तरीका से हम बना सकते हैं। लेकिन भगवान जब हमको बनाते हैं ना, हम कीड़ा लगने के बाद जब छोटे बचपन में दांत निकाल देते हैं और कुछ दांत को हम ही ख़राब कर देते हैं, पान वगैरह खा के या बिना ब्रश करके, दांत हम उखाड़ने से क्या होगा, मान लो ऐसा कंटिन्यूटी है ना, ऐसा कंटिन्यूटी रुक जाएगा, ये ऐसा कंटिन्यूटी रुक जाने से क्या होता है, जैसे ये दांत नहीं है, ये वाला दांत आगे आएगा, ऊपर वाला दांत नीचे आएगा, है ना, दांत ऐसा एक जगह में नहीं रहते हैं। तब क्या होता है, ये जो बंद करने का जो एक्शन जो है वो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। मान लो अभी यहाँ पे पूरा दांत है, डिस्टर्बेंस होने है ना, क्या करते हैं, मान लो आप एक जाके क्राउन लगा रहे हो, किसी डॉक्टर के पास जाके एक टोपी लगा रहे हो दांत को रूट कैनालिंग वगैरह करके, ठीक है, उसमें क्या कभी वो टोपी ठीक नहीं है, आपने खाने का टाइम है ना एडजस्टमेंट करेगा, अपना मुंह है ना अपने आप एडजस्टमेंट करेगा। आप देख लो पूरी एडजस्टमेंट करने का टाइम में सब चीज़ यहाँ से तकलीफ शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कार्टिलेज जो है उसमें ना दबाव पड़ जाते हैं, दबाव पड़ने से ब्रेन को वो सिग्नल देते हैं, पास में है ना ब्रेन, उसमें एक सिग्नल देते हैं, भाई कुछ तकलीफ़ है, इसका ये करो, थोड़ा ठीक करो करके, कुछ तकलीफ़ हो रहा करके, फिर हमने ये तकलीफ़ के कारण क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करके पहले शुरू में काम करेंगे। फिर एक दिन क्या होगा, ये जो नस जो है बहुत टायर्ड हो जाएगा, ऐसी बहुत थक जाएगा होने से क्या होता है, मसल्स में जो नर्व्स होते हैं, जो नस होते हैं, उससे ना ऐसा ट्रिगर पॉइंट्स बोल जाते हैं। जैसे कुछ लोग है ना, ये जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो जबड़े में तकलीफ वाले लोग को क्या होता है, यहाँ पे टच करने से प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है। कुछ लोग यहाँ दर्द करने से टच करने से दर्द होता है, कुछ लोग यहाँ दर्द टच करने से दर्द, इसका बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। ट्रिगर पॉइंट्स क्या है कि ट्रिगर पॉइंट्स में
आपको टच करने से तकलीफ हो, क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स है उसमें एक नॉट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे नॉट्स, इसके कारण इन लोग का काफ़ी सिर दर्द वगैरह लग जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल इसका क्या सोल्यूशन है वही हम देखना पड़ेगा। उसके पहले आप देख लो ये एनाटॉमी समझ गए, समझ में आ गया तो आपको सोल्यूशन पता चलेगा। आने वाला अभी मैं बोलने वाला हूँ इसका इलाज कैसा करेंगे, क्या है मैं बोलूँगा। दोस्तों आपने एनाटॉमी पता चल गया, आपको अभी आपको तकलीफ भी पता चल गया, क्योंकि आपका जो इम्बैलेंस जो है मसल का इम्बैलेंस के कारण ये जो कार्टिलेज का तकलीफ ये सब के कारण आपको ये जबर ये जाड़ का तकलीफ है, ये टीएमजे प्रॉब्लम होते हैं। ओके, कुछ लोग है ना ये इस हड्डी में ही तकलीफ होता है, इस हड्डी, कुछ लोग बुढ़े हो गए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाते हैं, मतलब आर्थराइटिस आपको पता है ना नी में घुटने में होता है, वैसे यहाँ पे भी आर्थराइटिस होता है। कुछ लोग का मसल का तकलीफ हो सकते हैं, कुछ लोग का जो कैप्सूल वगैरह है ना यहाँ पे एक कैप्सूल मतलब एक प्रोटेक्शन लेयर होता है उसमें भी तकलीफ होता है, काफी कारण यहाँ पे है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स एरिया बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब इतना आसान नहीं ट्रीटमेंट देने का और इतना ज्यादा इलाज भी नहीं है, ये आपको पहले दिमाग में समझ में होना चाहिए। आप देख लो इस वीडियो में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मगर इसको कंट्रोल में हम रख सकते हैं, जैसे डायबिटीज है जो शुगर का जो डिजीज जो है उसको हमने एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं और थोड़ा हमको थोड़ा एक्टिविटी रखने से ना हमको जो रेस्ट मिलता है, वैसा आपको इस डिजीज में भी बहुत सारी इलाज मिल सकते हैं। ओके, फर्स्ट चीज क्या है हम देखते हैं, पहला आपका दांत में, यहाँ पे दांत में कोई भी तकलीफ है चेक करना पड़ेगा, जैसी आपका कोई विजडम टूथ जो तकलीफ है, लास्ट जो दांत वाला तकलीफ है, आपका अलाइनमेंट में इसमें ना डॉक्टर के पास जाएंगे तो जस्ट इसका ना अलाइनमेंट में कोई तकलीफ है वो हम चेक करना पड़ेगा। कोई भी कैप जो आपने दांत में पहले ही लगा हुआ है उसमें थोड़ा ऊंचा लगा हुआ है तो उसको बराबर करके देखना पड़ेगा। इसके लिए ना टेस्टिंग करते हैं, एक पेपर रख के ना पूरा टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके हमको पता चलता है ये दांत ऊंचा है, ये थोड़ा कम है, इसको बराबर करो, इसको टेढ़ा मेढ़ा है, इसको ठीक करो, ये सब डेंटिस्ट कर देगा। अच्छा, टीएमजे स्पेशलिस्ट भी होता है, मैं एक टीएमजे स्पेशलिस्ट हूँ इसलिए टीएमजे का ज्यादा पेशेंट्स में देखता हूँ, ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, आप मेरा साथ मेरे पास भी आ सकते हैं या मेरा जैसे टीएमजे स्पेशलिस्ट आपके शहर में है आप उनके पास भी जाके इलाज ले सकते हैं। मान लो टीएमजे स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, आपको पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, पहला चीज क्या है इस डिसीज में ट्रीटमेंट के पहले डायग्नोसिस ठीक से होना चाहिए, किसके कारण इनका तकलीफ है, हड्डी में तकलीफ है, कार्टिलेज में तकलीफ है, मसल में तकलीफ है या और कोई तकलीफ है, ये सब हमको पता होना चाहिए। इसलिए एक हमारा पास एक ट्रीटमेंट हिस्ट्री फॉर्म होता है, एक बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म है, एक घंटा लगेगा आपको पूरा इसको आपको पढ़ के आपको सुना के आपको फीडबैक लेंगे, आपको नींद में तकलीफ हो रहा है, आपको कैसा इसमें रिलीफ हो रहा है, आपको दवाई लिया, डिप्रेशन है, बहुत सारी मेंटल फिजिकल सब हम चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको ना टेस्टिंग करते हैं पूरा, आपको टच करके ट्रिगर पॉइंट्स किधर होते हैं, आपका टच करने में कहां पे दर्द होते हैं, सिर में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, आपको मुंह के अंदर, सब हम ग्लव्स पहन के चेक करते हैं। दूसरा क्या है, आपको एक्सरे चाहिए, हम ओपीजी एक्सरे, टीएमजे एक्सरे, ये सब हम लेके चेक करते हैं। अच्छा, पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये एक क्रॉनिक डिसीज है, मतलब बहुत साल से ये होते रहते हैं तो इसका इलाज भी मिलना बहुत टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा मैं बोलता हूँ, मगर ये नहीं सोचना इसका कोई दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, कोई चीज लगाने से तुरंत ठीक नहीं होगा, कोई भी हम कोई जादू नहीं कर रहे, मैजिक नहीं कर रहे, हम डॉक्टर्स है, साइंस के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं, तभी आपको इलाज का पूरा इसका फायदा मिलेगा। चलो मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले डेंटल कॉसेस हम ट्रीटमेंट करके, फिर जॉब पूरा एग्जामिनेशन करके, पहले आपको मसल का अलाइनमेंट एंड बैलेंस को बराबर करते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मसल में आपको बोला था ये जो जाड़ का इस जगह में जो कार्टिलेज जो है आपको कार्टिलेज में दबाव पड़ते हैं। ठीक है, अभी मान लो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा खोल रहा हूं, दर्द काटना आपको, मैं आप देख लो अभी देखो ये आपका ये खोलने से ना स्लिप होता है, कुछ लोग का स्लिप होता है, कुछ लोग का स्लिप नहीं होता है, यहाँ पे जो कार्टिलेज है टीएमजे कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर डिस्क होता है, वो डिस्क बोलते हैं हम, कार्टिलेज भी बोलते हैं, डिस्क भी बोलते हैं, वो डिस्क थोड़ा स्लिप होता है, कुछ लोग का नहीं स्लिप होता है। मामूली क्या रहता है कि ये जो मामूली क्या होता है, ये डिस्क है आपका मुंह खोलने के टाइम में ये ऐसा आपके साथ आते हैं। During opening,
there is rotation in the lower compartment and more of translation in the upper compartment. कभी क्या होता है, कुछ लोग है ना मुंह खोलने के टाइम में ना ये जो डिस्क है पहले आगे चल जाते हैं. It's reduced on opening with a click. These joints demonstrate reciprocal clicking. ठीक है, फिर मुंह बंद करने के टाइम में ना वो उधर ही रहते, पीछे नहीं आएगा, उसका बोलते हैं हम रिडक्शन. During all mandibular movements, the disc is lying anterior to the condyle and at maximum opening. The disc is folding. No reduction बोलते हैं. जैसे मान लो नॉर्मल ऐसा करते हैं. दूसरा सेकंड प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों का मुंह खुल जाता है लेकिन डिस्क पहले चल जाते हैं. ये खोलने के पहले डिस्क चल जाते हैं. वो पहले चलने के टाइम में ना शक शक करके एक फ्रिक्शन होता है. वो फ्रिक्शन ना आपको क्लिक साउंड आता है. टक टक साउंड इसलिए हो रहा है कि आप जैसे खोलते हो ये डिस्क स्लिप हो रहा है. ठीक है, कुछ लोग का स्लिप होके उधर ही रहते हैं मुंह बंद करने के बाद भी. One side of my head. Pain in your in the ear. Yes. Ear and one side of head. Yeah. इसको बोलते हैं non reduction बोलते हैं, कुछ लोग का बोलते हैं with reduction बोलते हैं. इसमें फर्क क्या है कि मुंह में ना deviation होता है. कुछ लोग का ऐसा खोलने में ना जाड़ ऐसा खोलेंगे, ऐसा खोलेंगे मुंह सीधा नहीं खोलेगा, उनको ऐसा ऐसा जाएगा. कुछ लोग का ऐसा जाएगा deflection बोलते हैं, कुछ लोग का deviation बोलते हैं, कुछ लोग का deflection बोलते हैं, ऐसा आएगा मुंह और कुछ लोग ऐसे आएगा. फिर हम ये सब एग्जामिनेशन करते हैं. आपको जब आएगा ना हमको ये पता चल जाता है इसका कार्टिलेज स्लिप हो रहा है, इसका कार्टिलेज नहीं स्लिप हो रहा है, इसका कितना टाइम लगेगा. ये सब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया आने दो क्यों इतना टाइम लगता है इसको. तीसरा क्या करते हैं हम आपको फिजियोथेरेपी जैसी एक्सरसाइज बोल देते हैं. इसका क्या एक्सरसाइज है, इसका माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज है, माउथ क्लोजिंग एक्सरसाइज है, मसाजेस जो है ये सब चलते हैं. फिर आपका लैब में एक पास में क्लोज लैब में एक स्प्लिंट थेरेपी बोलते हैं. ये क्या होते है सर, सर ये चीज क्या है, इसमें मेरे को इलाज कैसा मिलेगा. आप देख लो ये स्प्लिंट जो है, मान लो ये पेशेंट है, उनका एक एग्जाम्पल बोलता हूं. पेशेंट को से ये जॉइंट में तकलीफ है, जॉइंट में बहुत सारी फ्रिक्शन है. हमने ये वाला चीज जो है ये दे देते हैं आपको, इसको स्प्लिंट ये यहां पे रख देते हैं. यहां पे रखने से इनका ना यहां पे जो जॉइंट जो है, जॉइंट जो है ऐसा थोड़ा सा खुल जाएगा, है ना. ऐसा खुलने से क्या होगा, जो नस और मसल्स जो है, मांस जो है और नस जो है ना, ये नस जो है और ये जो मांस जो है, इसमें एक रिलैक्सेशन आ जाते हैं. मान लो एक साइड हार्ड है एक साइड सॉफ्ट है, मुंह ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा. ये देने से एक हफ्ते में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा क्योंकि आपका मसल्स जो है पहले बैलेंस हो जाएगा. ये मसल बैलेंस होते ही आपको बहुत सारे आराम मिल जाएगा. इसमें क्या है आपको, हम कभी कभी यहाँ में बहुत लोगों को बहुत तकलीफ है, ज़्यादा पेन है, ट्रिगर पॉइंट्स है, इसके साथ थोड़ा सा इंजेक्शन भी देंगे हम इसको. जिस मसल में तकलीफ है, मसीटर में तकलीफ है, टेम्पोरलिस में तकलीफ है, ये सब हम पता करके ना आपको ट्रिगर पॉइंट का इंजेक्शन भी देंगे. ये भी एक इलाज की द्वारा मैं आपको हम देंगे आपको. और कुछ लोग का हम ये भी देंगे स्लीपिंग टैबलेट वगैरह, थोड़ा आपको मेंटली स्ट्रेस है उसका ठीक करने का, ये सब हम करेंगे. दोस्तों ये तकलीफ जो है आपको, जो क्लिकिंग साउंड है, काफी टाइम के बाद ही इसको ठीक हो सकते हैं. कुछ लोग का सीवियरिटी ज्यादा है तो ये ठीक ही नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा. और ये जो पेन वगैरह सब ये स्प्लिंट के द्वारा ठीक हो जाएगा. अच्छा, इसका प्राइसेस कितना रहेगा सर ये ट्रीटमेंट के लिए? ये ज्यादा दाम नहीं है. इसका चेकअप होता है एक महीना का एक बार चेकअप करके, मिनिमम हम हमारा क्लिनिक में 5-6 हजार इसका चार्ज करते हैं. चेकअप के साथ 6 महीना चेकअप फ्री होता है. इसमें हर महीना आधा घंटा आपको चेकअप होगा, पूरा आपका हिस्ट्री होगा, वीडियो करेंगे, है ना. काफी सारी लोग इसमें बहुत रिलीफ हो चुका है. आपका चाहिए आप इधर आना पड़ेगा, हम इधर रेडीमेड नहीं है. ये आपको पक्का से पक्का आपको खुद ही आपके मुंह के लिए बराबर नाप लेके हमको बनना पड़ता है. नंबर
और दूसरा क्या है, कुछ लोग लाख लाख में भी चार्ज करते हैं। मैं ये सोचा बेंगलोर में बहुत सारी जगह में, दिल्ली वगैरह में काफी लोग 5 लाख 6 लाख चार्ज करते हैं। इसका इसमें एक बॉटम लाइन चीज, आप जितना लाख खर्चा करेंगे आपको कंट्रोल में रहेगा, ये बिल्कुल इसका इलाज इसको नहीं है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं है। कुछ लोग का मुंह ही नहीं खोल गया, एक्सीडेंट हो गया, उन लोग का हम ट्रामा एक्सीडेंट 5% 100 लोग का दर्द होता है तो 5 लोग का ऑपरेशन का खतरा होता है, लेकिन ऑपरेशन सबका इलाज नहीं है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट स्प्लिंट और फिजियोथेरेपी, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, यही इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसका ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं, इतना ही ट्रीटमेंट है, मगर ये पता नहीं है काफी लोग सुसाइड कर देते हैं, काफी लोग डिवोर्स कर देते हैं बिकॉज इतना दुखी हो जाता है उसका बीवी बच्चे के साथ, वो बात ही नहीं करते, डिप्रेशन में चल जाते हैं, फिर बीवी बच्चे के साथ तकलीफ होता है घर में, ये सब कारण के वजह से फैमिली प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो लोगों, आज मैं आपको एनाटॉमी बोल दिया, इसका तकलीफ कैसा हुआ, पैथोलॉजी बोल दिया, इसका ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजी क्या है, इसका फिजियोथेरेपी क्या है, सब कुछ बोल दिया। ये बहुत यूज में आएगा आपको। आपको कोई भी डाउट है, नीचे जो नंबर आ रहा है उसमें कॉल करके या उसको व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल दीजिए, और ऐसा अच्छा वीडियो आपको और देखने चाहते हैं तो लाइक कर दिए, करके सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसमें क्या है कि अच्छा सा वीडियो, आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिलते रहेगा। कोई भी तकलीफ है इसका हम कंट्रोल कर सकते हैं, TMJ मैंडिबुलर टेम्पोरो मैंडिबुलर जो डिसऑर्डर जो है बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। आप आइए हमारा क्लिनिक में, हर दिन 5 से 10 लोग आते हैं इसका, पूरा तमिलनाडु में। हम एक तमिल में वीडियो बनाया, वो अच्छा चला, मैंने सोचा चलो हम हिंदी में बोलेंगे, पूरा इंडिया को ये फायदा मिलेगा, और भी रीजनल लैंग्वेज में भी हम ये वीडियो को ट्रांसलेट करके करने वाला हूँ। सो आपका सपोर्ट हमको बहुत चाहिए, इस वीडियो आपको जरूर यूज होगा। आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपको व्हाट्सअप स्टेटस में रखिए, आपको बहुत सारे लोग का ये फायदा उठेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखा है मेरे को, और बहुत खुशी लगा आप ये वीडियो पूरा देखा है। आप सबको मेरा तरफ से, मेरा क्लिनिक तरफ से बहुत सारे शुक्रिया है। वनकम एंड जय हिंद।